असलम तो आइए अकाउंट की तरफ चलते हैं तो जी दोस्तों डिस्कस करते हैं अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री यानी कि अमेजोन पे आप अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अमेजोन के साथ आप अपना ब्रांड कैसे ऐड करेंगे और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग उसके साथ करेंगे अमेजोन के साथ ब्रांड ब्रांड रजिस्टर करने से पहले आपका जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका ट्रेड जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है आपने सिर्फ एक नाम बनाया है एक नाम लिया है और उस उसपे प्रोडक्ट और पैकिंग वगैरह बनाई है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा ठीक है आपकी प्रोडक्ट पैकिंग होनी चाहिए और आपका जो ब्रांड है जो ट्रेड है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए हमें हम स्टेप हम बाय स्टेप चीजें फॉलो करेंगे और अपनी वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी फॉरवर्ड नहीं करनी ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस न हो जाए तो जब आप अपने सेलर अकाउंट में लॉग इन करेंगे जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे डैशबोर्ड पे आने के बाद अभी आपको लेफ्ट में एक मेन्यू ऑप्शन मिल जाएगा आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे सेकेंड लॉस पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रांड्स का आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप ब्रांड्स पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे बिल्ड योर ब्रांड का ऑप्शन आ जाएगा

मतलब कि मैंने एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने अप्लाई किया है ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई गवर्नमेंट के साथ वो पेंडिंग में है सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मतलब मेरा ट्रेडमार्क जो है जो ब्रांड है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अगर आप इन दोनों सिचुएशन में हो या तो आपका पेंडिंग में है एप्लीकेशन या रजिस्टर्ड तो आप इस पर क्लिक करेंगे अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर चीज है लेकिन हम इसको नहीं कर रहे, इस पर हम क्लिक नहीं कर रहे अभी हमारा ब्रांड जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम एनरोल यूअर ब्रांड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एनरोल यूर ब्रांड पे क्लिक करेंगे यही आपसे पूछा जाएगा वट इज योर ब्रांड नेम आपके ब्रांड का नाम जो है वो क्या है तो जो भी आपके ब्रांड का नाम है वो आप लिखेंगे और जैसे ही स्पेलिंग हो स्मॉल कैपिटल आप उसी तरह लिखिए ठीक है नेक्स्ट आप सेकेंड uh, ऑप्शन आपको मिल रहा है अ ट्रेडमार्क ऑफिस मतलब आपने कहा से इसको रजिस्टर्ड करवाया है आपने UAE से करवाया है सऊदी अरेबिया से यूरोप से यूके से आपने जहां से करवाया है आप वो सिलेक्ट करेंगे तो मैंने यूए से करवाया है ये रजिस्टर्ड तो मैं यूनाइटेड अरब इमरिट्स मैंने सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो है इफ यू आर अपॉइंग विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्लीज एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने अपना ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है तो आप उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख दीजिए सेकंड आपसे पूछ रहा है इफ यू आर अप्लाइंग पेंडिंग ट्रेडमार्क मतलब अगर आपने अप्लाई करना है और आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ आपका प्रोसेस पेंडिंग में है तो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उस एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसका जो ट्रेडमार्क नंबर है वो मैं यहीं पर पे पेस्ट कर दूंगा या लिख दूंगा उसी तरह आप भी फॉलो कीजिएगा नेक्स्ट आपको दो ऑप्शन मिल रहे कि ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है तो अगर आपका पेंडिंग है तो पेंडिंग सेलेक्ट करें अगर आपका रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर पे क्लिक करे तो मेरा रजिस्टर्ड है मैंने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया उसके बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप वर्ड मार्क या डिजाइन मार्क इसका मतलब यह है कि जो आपका लोगो है वो वर्ड्स है या आपने कोई डिजाइन बनाया है तो वो आप अपना देखेंगे कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो वर्ड में है मतलब आपने इंग्लिश में कुछ वर्ड्स सिर्फ लिखे अगर आपने कुछ ब्रांड्स देखे होंगे ना बहुत सारे तो उनका क्या होता है उनका लोगो सिंपल होता है उनका स्पेलिंग उन्होंने लिखी होती है अपनी ब्रांड की नाम लिखा होता है वो उनका लोगो भी होता है तो उसको वर्ड मार्क कहा जाता है और कुछ होते हैं जिन्होंने डिजाइन बनाया होता है अपनी ब्रांड का तो वो फिर डिजाइन मार्क सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी लोगो को देखेंगे और उसी तरह फिर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे इन माय केस मेरा जो है वो है वर्ड मार्क तो मैंने वर्ड मार्क सेलेक्ट कर दिया है ऑलरेडी और नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव ऑन द ट्रेड मार्क ऑफ द ब्रांड ऑफ विच यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आप सबमिट जिस ब्रांड के लिए कर रहे हैं वो आपका अपना ही ब्रांड है या आप किसी के लिए कर रहे हैं ठीक है तो यस आई ओन द ट्रेडमार्क आप इसपे क्लिक कर दे और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड अ कॉपी आप प्रूफ ट्रेडमार्क ओनरशिप आपकी जो ट्रेडमार्क की ओनरशिप है उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा आप वो जो है अपलोड करेंगे एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स कैन बी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फाइलिंग फाइल नोटिस और इसके साथ साथ फाइलिंग सर्टिफिकेट और, e और ट्रेडमार्क तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं तो मैं क्या सबमिट करूंगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्या करूंगा अपलोड पे क्लिक कर दूंगा और जहां पे भी मेरा ये फाइल पड़ा हुआ है उस पर क्लिक कर दूंगा और ये मैं अपलोड कर दूंगा ये मेरी अभी फाइल अपलोड हो गई है और अपलोड होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहीं पे आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने प्रोडक्ट इमेजेस आपने अपलोड करनी है अपनी प्रोडक्ट की ठीक है तो आपकी ब्रांड की जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग की आप इमेजेस अपलोड करेंगे जिस पे आपके लोगो हो आपका ब्रांड नाम हो उसके ऊपर ताकि उसको वेरीफाई कर सके कि आप ये आपका ब्रांड का प्रोडक्ट प्रोडक्ट है है और आपका अपना है. तो मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा और जहाँ पे भी मुझे इमेजेस मिलेंगे मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और इसको अपलोड कर दूंगा ठीक है ये इमेज मैंने एक अपलोड कर दी आप मल्टीपल तो अपलोड कर सकते हैं मैंने सेकंड इमेज भी अपलोड कर दी और इसके साथ साथ मैंने थर्ड इमेज

ब्रांड को अब मैनेज करेगा तो यहीं से मैं सेलेक्ट कर दूंगा जो अकाउंट है बिल्कुल ये है यही अकाउंट जो है ब्रांड uh, को मैनेज करेगा मेरा और uh, यहीं पे अगर आपको नहीं नजर आ रहा कोई भी अपना अकाउंट तो आप आई डोंट आई डोंट सी माई सेलिंग अकाउंट पे क्लिक करके आप कर लेंगे ठीक है अगर आपका कोई वेंडर है और आप थर्ड पार्टी से अपना प्रोडक्ट सेल करवाना चाह रहे हो तो उसको भी आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो ठीक अभी हम सेलर है तो हमने सेलर ही सेलेक्ट किया और नेक्स्ट प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी इज द बेस्ट डिस्क्राइब योर ब्रांड आपका ब्रांड जो है उसकी कोई कैटेगरी सेलेक्ट करे जो कि आपके ब्रांड को डिफाइन कर सके ठीक है स्पेसिफाई कर सके तो यहीं पे सेलेक्ट द कैटेगरी पे आप क्लिक करें और जो भी आपका है यहीं पे तो वो आप सेलेक्ट कर दे तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी अपनी ब्रांड की उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं, प्लीज प्रोवाइड यूर टॉप सेलिंग ए एसाइन अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है अमेजोन पे उसका ए आप जो है यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आपको यू आर एल आपसे मांग रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट का अगर आपका वेबसाइट भी है यहीं पे आप आ, दे सकते हैं अगर आपका आ, कोई और ई e कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है तो उसका भी आप लिंक यहीं पे दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की लिंक जो है आप यहीं पे दे सकते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन देनी है ठीक है आपसे पूछ रहे कि आप अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हो अगर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सर्टिफिकेट अपलोड करें ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है नो no प्रॉब्लम अगर आप किसी से करवा रहे हो और आपके पास एग्रीमेंट हो उस कंपनी के साथ की आप मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देंगे तो अगर आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है तो वो आप अपलोड कर दे वो भी ऑप्शनल है जरूरी नहीं अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम उसके बाद आपने अपलोड अ कॉपी ऑफ एनी रिसेंट सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग

बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो अपना प्रोडक्ट क्या नहीं अगर दे रहे हो तो ये अगर नहीं दे रहे हो तो नो उसके बाद ये भी ऑप्शनल है वेयर योर ब्रांड इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और इसके बाद आपने लाइसेंस इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रांड जो है वो सबमिट हो जाएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड यूर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू यू मे कॉन्टेक्ट यूर रिक्वेस्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन अव द स्टेटस ऑफ योर

वेबसाइट विजिट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप अमोजोन कोर्स करना चाह रहे हैं तो भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे वेबसाइट पे मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक करे कॉमेंट करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करे बेलाइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके मुझे दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़